नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार रजत जी, करता हूँ और स्वागत करता हूँ सभी दर्शकों का मैं कंचन टीवी पर। और मैं बताना चाहूंगा कंचन टीवी के दर्शकों को के नतीजे, 5 विधानसभाएं पंजाब है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, सभी सभी चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं। तो तरह तरह के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। जीत का सेहरा बीजेपी के सर बंधा है 4 राज्यों में, लेकिन एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपनी धमाकेदार शुरुआत की है, या यूं कहा जाए कि धमाकेदार खाता खोला है। उसी पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट के प्रदेशाध्यक्ष हैं गुणी प्रकाश ठाकुर जी हमारे साथ है। स्वागत करूंगा ठाकुर साहब, सबसे पहले आपका नमस्कार जी। नमस्कार। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिक्षाविद हैं और लेखक भी हैं, स्वतंत्र लेखक हैं, रजत भाटिया जी लुधियाना से जुड़े हैं। स्वागत है भाटिया साहब। नमस्कार जी। नमस्कार ठाकुर साहब। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कि बीजेपी भाजपा भी जीत रही है, आम आदमी पार्टी भी जीत गई है, कांग्रेस घाटे में और सबसे ज्यादा घाटे में किसान मोर्चा रहा है। किसान मोर्चा से आप जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हार के बारे में? नहीं साहब, हम ना तो मैं किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन का सदस्य हूँ और गैर राजनीतिक संगठन है। कुछ लोगों ने किसानों के नाम पे पूरे देश में उत्पात मचाया, दंगे फसाद कराए और अपनी दुकानदारी करके लगभग 2,000 करोड़ रुपया की फंडिंग विदेशों से और बाहरों से इकट्ठी कर ली। और पैसे होने के बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक दुकान अब चुनाव लड़ लिया, जबकि जो राज्यवाल साहब है वो 1972 से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे। उस समय थी खेतीबाड़ी यूनियन पंजाब की और हरियाणा में 78 में यूनियन। लेकिन राज्यवाल साहब का दिमाग खराब हो गया कि भाई मेरा एक इतिहास की बात बताऊं, भारतीय किसान यूनियन के नाम पे एमएलए एमपी की छोटो बात, यूनियन के नाम पे कोई गांव में सरपंच नहीं बन पाया। भारतीय किसान यूनियन आप अगर पिछली बातों में चले गए वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आपकी जानते हैं, आपका तजुर्बा बहुत है, आपके पास कहने को बहुत कुछ है। अभी के लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि गुणी प्रकाश ठाकुर को किसानों की सबसे गालियां मिलती थी, या तो खट्टर साहब को मिलती थी, मोदी को मिलती थी, उसके बाद अगर गालियां सबसे ज्यादा पड़ी है गुणी प्रकाश ठाकुर को पड़ी है। आज आपको बड़ी शांति मिली होगी, कलेजे पर ठंडक मिली होगी। नहीं 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 नहीं, मैंने जितनी बार भी सत्य बात कही, मेरे को गद्दार जो मर्जी आगे से भी कुछ को, जितनी बातें मैंने कही वो सारी साबित हुई। मैंने पहले कहा था कहीं पर नहीं, आज कहीं ना कहीं उन बातों पर मोहर लग गई है आपकी। नहीं, मोहर तो पहले भी मोदी साहब ने जब वापिस लेते उसने कहा था ये कानून तो सही है, बातें सही है, लेकिन हालात हम समझा नहीं पाए। लेकिन सवाल ये है कि अब मैं राकेश टिकैत की बात बताऊं, अब उसने बाबे वाला खंड का पैर लिया। अब ये लोग जो राजनीति कर रहे थे, ये सारे हमने गैर राजनीति के, आप लड़ाई लड़ो, किसानों की लड़ाई लड़ो, उसकी आड़ में आप जो राजनीति कर रहे हैं। अब गुरनाम सिंह इनका क्या है, जिस तरह इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को जूते मारे थे, उनका बदमनी करी थी, अब तो गांव के अंदर लोग इनके साथ वही सलूक करेंगे। प्यार है वो माड़ा है। अब इनके सम्मानी नहीं सुनो, मैं हरियाणा की बात बताऊं, जितने खटखटे बस्ता था सब में उनके ही आदमी कह रहे कि करोड़ों की एरा फेरी हुई। ये दुकानदारी है। ठाकुर साहब मैं आऊंगा, मैं अभी भाटिया जी से भी जानना चाहूंगा। भाटिया साहब आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, किसानों को जो मुंह की खानी पड़ी है, क्या कहीं ना कहीं अब जो किसान आंदोलन था उसकी आड़ में जो राजनीति हो रही थी वो उस पर से पर्दा उठा है, कहीं ना कहीं चीजें एक्सपोज हुई हैं अब? देखिए यशपाल जी, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो कई राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगा कि अब हमारी गेम खत्म, वो दोबारा कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो फिर उन राजनीतिक पार्टी के कुछ व्यक्ति जो उनके अधिकारी हैं वो चाइना जाके जिनपिंग से मिलते हैं और वहां कुछ इस तरह से प्लानिंग की जाती है कि भारत की कैसे राष्ट्रवादी सरकार को गिराया जाए। जी 2014 में भी तैयारी करी, 19 में फिर वो सरकार बन गई। उन्हें अपने वोट बैंक का खतरा,
और उसके लिए उन्होंने जो किसानों को अपना फ्रंट बना के रखा, उनकी राजनीति थी कि जैसे मर्जी करके भाजपा को सेंटर से हटाना हटाया जाए जी। लेकिन उसका मुद्दा उनको मिल गया किसान, जो कहा जा रहा था। अब देखें भाटिया साहब, जो कहा जा रहा था कि किसान बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, भाजपा को हराएंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, वोट नहीं डलने देंगे, तो कहीं ना कहीं नकारात रहा वो फैक्टर। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी का पंजाब में उतना रसूख नहीं था, क्योंकि हमेशा से बीजेपी अकाली दल के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ती रही और मुश्किल से 19 या 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ा। तो जब एक साल समय था वर्किंग करने के लिए, जब बीजेपी अकेली थी, तो वो सारा का सारा समय किसान मोर्चा में निकल गया। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि किसान मोर्चा बहुत ज्यादा प्रभावी रहा कि बीजेपी के वर्कर को काम करने का मौका नहीं मिला जी, ठीक है। और जब उन्होंने एक साल में काम ही नहीं किया, तो लास्ट में जब 2 महीने बचे जनवरी से, जब उन्होंने 9 जनवरी को गुरुपूर्व वाले दिन मोदी जी ने अपने तीनों कानून वापिस लिए, उसके बाद भाजपा ने वर्किंग स्टार्ट किया और उस वजह से उनकी वर्किंग भी थोड़ी कम रही, क्योंकि होमवर्क के बिना कोई भी पेपर अच्छा नहीं दिया जा सकता। जी जी, उनकी होमवर्क भी, होमवर्क में भी कमी रही। और हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ हद तक गांव में भाजपा का विरोध हुआ, लेकिन गांव में अकाली दल का विरोध भी हुआ, जो उनके सके बने हुए थे उनका विरोध भी हुआ। चलिए मैं अब ठाकुर साहब पर आऊंगा। ठाकुर साहब, अब क्या तस्वीर सामने आएगी? अब किसान विरोध कर पाएंगे, आंदोलन कर पाएंगे, भाजपा को घेर पाएंगे, क्या करेंगे? अब उनकी दुकानदारी बंद होगी? नहीं, ना ना साहब, मैं एक बात बताना चाहूँ। यूपी में किसने जिताई? भाजपा, किसानों ने जिताई जी। और किसानों ने भाजपा नहीं पसंद करी, उन्होंने आप पार्टी को जिता दी। आप किसान किसान कह रहे, नहीं, किसानों ने सही फैसला लिया। जो तथाकथित किसान थे उनके मुंह पे चपाता मार दिया। और दूसरी बात मैं कह रहा भाजपा को, भाजपा फ्री एंड है, अब इनकी इंक्वायरी करे। विदेशों से फंडिंग आई, दंगे फसाद, अगर ये काम बीजेपी नहीं कर पाई तो ये तो मास गुंडे आपने पाल दिए। अब ये इकताली है ना, राकेश कहता है, गुरनाम चुड़ूनी है, राज्यवाल है, दर्शन पाल है, योगिंद्र यादव है, इनकी ईडी से जांच करो ना। छोटी छोटी बातों पे भाजपा ईडी कर रही, अब ये जांच करो कहां से आए, कैसे आए। और दूसरी बात मैं कह रहा, इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं जो इनके मुकदमे अगर वापिस कर लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए, देश के राष्ट्र के लिए, देश को करने मोदी। अब मैं एक और बात कह रहा, बीजेपी साहब ने हरियाणा में सबसे पहले काम करा, खट्टर साहब ने डायरेक्ट पेमेंट दी किसानों को और तरह तरह के वो करे, ये इनकी समझ में, क्योंकि ये तो प्रायोजित था सारा काम। और वो सामने साहब, अब आपके मित्र हैं गुरनाम चढ़ूनी, उनको सद्बुद्धि देंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे साहब, उसका स्वागत करेंगे। गांव के अंदर जाएंगे ना, पहले मैंने कहा फिर विवाद में आ जाएगी बात। मैंने तो एक बात कहता, ये कहता जूतों से इलाज करेंगे, वो इलाज इसका होगा, वो तो एक्सपोज हो गया। मैं ये कह रहा, ये इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जो करोड़ों की फंडिंग हुई है उसकी क्यों नहीं जांच करते? आप बताओ की बात, राकेश टिकैत बोल रहे, गुरनाम चुडूनी बोल रहे, अब कुन्नू पे क्यों नहीं कार्रवाई करती भाजपा? अब कल से सुनो साहब, कल से हम भी ज्ञापन देंगे सभी डीसीओ पे, मुख्यमंत्री को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री को, कि ये जो पाले हुए हैं इनके, इन पाले हुए को एकदम से बाबा का बुलडोजर है ना, इनकी सारे की संपत्ति करके जो 750 किसान है उन पर बट्टी जाए। राकेश टिकैत से शुरू करेंगे, चढ़ूनी तक आके राज्यपाल तक लेके आने वाले हैं। राकेश टिकैत ने तो भगवा बांध लिया, उसने तो बाबा बन गया, तो वो तो हाथ मिला लेगा। और बीजेपी भी उसको माफ कर देगी, लेकिन हम नहीं बैठेंगे। हम बीजेपी को कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री को, खट्टर साहब को, और आप पार्टी को कहेंगे, जो इन्हें गदर मचा रहा है उसकी जांच करो। मैं नहीं कह, जांच करके इनकी जो संपत्ति है 750 किसानों में बटी जाए। मतलब अब अग्नि प्रकाश ठाकुर फ्रंट फुट पर होकर खेलेंगे अब? नहीं नहीं, मैं तो पहले भी फ्रंट पर था। अब सुनो, सबका इन्हें घेराव करे, मेरा क्यों नहीं करे? जी जी जी, आपसे डरते हैं ना, चैलेंज करे। मैं अकेला, मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन एक बात है, अग्नि प्रकाश अपनी बात पे कायम रहेगा और कहेगा।
ठाकुर साहब आप पर तो सरकार का हाथ है ना, आप तो खट्टर साहब के साथ मिले हो। सरकार पास अगर सरकार पास तो उन्हीं तो गुरुराम चुडू नहीं तो जेल में होना चाहिए था। जी जी तो अब करवा देंगे। तो एक बात बताओ, मैं तो एक बार चला जाऊंगा, मैं आ जाएगी कि गुणी प्रकाश खट्टर साहब आ गया। और मैं बताऊं इस दौरान समझौते के बाद 35 बार मुख्यमंत्री को मिले खट्टर साहब को, गुरुराम चुडूनी उसको क्यों नहीं करने। अरे वो तो एक बात बता, 302 का पर्चा भी नारायणगढ़ में रद्द कराया, वो जाके पैर हो गया उसके पैरों में शरीर रख दिया, अपनी पगड़ी रख दी, बच गया। इसका मतलब तो इनसे रहम तो कर रही है सरकार। मेरा सवाल भाटिया जी से रहेगा, भाटिया जी अब क्या किसानी मोर्चे की दुकानदारी बंद हो चुकी है? देखिए अगर हम इस किसानी मोर्चे की दुकानदारी की बात करें तो जैसे हमारे मिस्टर गुणी प्रकाश जी कह रहे हैं, जो असली किसान हैं वो खुश हैं, वो सरकार की नीतियों से खुश हैं, लेकिन जिनका एक ये एजेंडा था, एक उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम जैसे मर्जी सरकार के अगेंस्ट चलेंगे, हाँ वो दुखी हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। यानी राजनीतिक करियर उनका बनने से पहले खत्म हो गया। जैसे मैं अभी रिपोर्ट्स देख रहा था, 117 की 117 विधानसभा सीटों पर किसानी मोर्चे की जमानत जब्त हुई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सिंगल सीट भी नहीं आई, यहाँ तक कि सीट तो बड़ी बात है कि जमानत भी आप नहीं बचा पाए। ठाकुर साहब क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा था राज्यपाल साहब को, अगर जमानत भी जब्त की एक आदमी की, मैं अपनी पगड़ी राज्यपाल साहब के घर दे आऊंगा। और देखो मेरा सौभाग्य रहा कि सिर्फ राज्यवाल के 4000 वोट आई, बाकी 500 और 400 पे रहेगी, मेरी पगड़ी बच गई। यहाँ पे मैं एक बात, यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो किसान मोर्चा था उसकी जो टैग लाइन थी नो फार्मर नो फूड, उस टैग लाइन से बहुत पब्लिक सिंपथी मिली, लोगों का बहुत विश्वास जीता गया किसानों ने कि अगर हम खत्म हो जाएंगे तो आपको अनाज खाने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन उन किसानों का असली चेहरा, लोगों को उनकी असली सपोर्ट की पहचान हुई इस चुनाव में। अगर किसान मोर्चे पे लोगों का भरोसा होता, लोगों की सपोर्ट होती, तो उनको चुनावों में भी अच्छा रिजल्ट मिलता, ज्यादा नहीं 1-2-3 सीट तो मिलती। जैसे अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी जमानत जब्त है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का उनके ऊपर ना पहले भरोसा था ना बाद में भरोसा था। जितनी देर भी किसान आंदोलन चला वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की फंडिंग पे चला, उन फंडिंग पे चला जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश की अखंडता के विरोधी हैं, सिर्फ उन्हीं की फंडिंग पे चला। जनता का समर्थन उन किसी भी किसान मोर्चे को नहीं था। अगर होता तो चुनावों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को वोट जरूर मिलता। मतलब आप भी गुणी प्रकाश ठाकुर से सहमत हैं? जी बिल्कुल। नहीं पूरा तो सारी दुनिया तो आपके पीछे आ गई है शायद, नहीं, नहीं। सब सहमत है। साहब मैं शुरू में जब तोमर साहब पे गया, नरेंद्र तोमर साहब पे, जब ये मैंने बात कही नहीं का, आप तो हवा में बात कर रहे, बाद में वो अब भी तोमर साहब कह नहीं का, बात तो सही थी। बताऊं मैं इनमें से ही हूँ। ठाकुर साहब जब शुरू हुए थे, जब इन्होंने मथाना से आंदोलन शुरू किया था, जब इन्होंने विरोध किया था तथा कथित किसानों का, तो मैं उस दिन से इनका कैंपेन है वो कवर कर रहा था। मैं इनको बहुत करीब से देखा है, करीब से समझा है। वो अकेले चले थे, अपने कुछ साथियों के साथ वो अकेले चले थे। लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे, इनको गालियां ही मिल रही थी, इनका विरोध ही किया जाता था। इसके बावजूद आज जो बातें, आज जब नतीजे आए हैं, आज जब रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ पूरी दुनिया के सामने है, कहीं ना कहीं जो ठाकुर साहब कहते थे शायद वो सही था। अब ठाकुर साहब शायद आपके दिन शुरू हो चुके हैं। नहीं नहीं मेरा नहीं जी, हम तो ये कह रहे हैं कि बाजार की जो बात है ना, हम बाजार मांग रहे थे। ये शरद जोशी साहब ने 1993 बीजेपी की मांग नहीं थी, 1993 से हमने मांग करी थी भाई खुली बाजार व्यवस्था, किसान को एक बाजार मिलना चाहिए मंडी के अलावा। और वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान ली थी वो बात, और किसानों ने कहा था कि आपको मंडी के बंधुआ नहीं होगा, उसकी आजादी होगी, वो जहां मर्जी, जैसे अब एक आरटी से पैसे लेने के बाद तो वो उसके अलावा जा नहीं सकता। अच्छा टेक्नोलॉजी की बात करी थी, किसान को कहा था बड़े बड़े गोदाम बना दिए जाएंगे, मार्केटिंग होगी, लेकिन उन्होंने भाई भंडारण पे, जो सबसे ज्यादा काला कानून पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम पर भंडारण पर पाबंदी लगाई थी,
और जो ये कह रहे हैं ना एमएसपी की 1900 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 8 में हुड्डा साहब को कहा था और 14 तक लागू नहीं करी थी माननीय प्रधानमंत्री का, तो वैसे नाम ले रहे, ये तो एमएसपी लागू ना करने की फेलियर तो कांग्रेस की है। और दूसरी बात है एमएसपी, एक सीधा सा सवाल मेरा आखिरी में रहेगा आपसे, क्या आप दोबारा से अगर किसान आंदोलन होता है या किसी तरह का आंदोलन किया जाता है, क्या जनता साथ देगी इस बार, इतना जमावड़ा हो पाएगा? नहीं नहीं साहब, मैं ये कह रहा हूँ हम पूरे देश के किसान दिल्ली में जाएंगे, हम कृषि सुधार के लिए, मंडी सुधार के लिए हम खुद आंदोलन कर रहे हैं, हम किसानों को जागरूक करेंगे कि किसानों को कैसे आर्थिक आजादी दी जाए, ये आंदोलन होगा। किसान की जो गरीबी है, अब देखो छोटा किसान है, मैं ये कह रहा, मेरे पास 2 भैंस है, मेरे दूध के लिए मार्केट चाहिए, मेरे को 2 एकड़ का किसान उसको बाजार चाहिए, भाई अगर कोई मेरे घर खरीदने आएगा तो मेरी मार्केट बढ़ेगी। तो वही प्रधानमंत्री जी ने कराया था, हमने कराया था, उसकी वो मांग मारी थी, वो अब दोबारा से हम। तो ठाकुर साहब जी 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 भाटिया जी जी, देखिए जो आपका प्रश्न था कि दोबारा अगर किसान आंदोलन होगा तो क्या जनता का समर्थन होगा, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब जनता को चुनावों में इतना पता लग चुका है कि जो किसान आंदोलन था, जो असली किसान है वो सरकार की नीतियों से खुश है। जैसे जो हमारे साथ गुणी प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, जो इन्होंने बताया कि किसान को सीधा पैसे मिल रहे हैं, आढ़तियों के द्वारा शोषण नहीं हो रहा, तो वो किसान के मेन मुद्दे थे जिसकी वजह से हर किसान दुखी था जी। लेकिन उन मोदी सरकार ने उन्हीं किसान आंदोलन के जरिए उसको रोकना जब शुरू करना चाह रहे थे, तो किसानों ने एक आंदोलन बना दिया। किसानों का जो आंदोलन था उसका सिंपल सा अर्थ सिर्फ यही निकलता है कि सरकार को जैसे मर्जी करके सरकार को नीचा दिखाया जाए, उनका जो भरोसा है स्टेट में, जिन जिन इलाकों में इलेक्शंस थे, चुनाव थे 22 में, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को ही ज्यादा फोकस किया गया किसान आंदोलन के लिए। सिर्फ पंजाब में अगर आप देखिए तो नतीजे थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा नतीजे गलत आए हैं, लेकिन उसके अलावा यूपी के किसान भी थे, उत्तराखंड के कई किसान भी थे, हरियाणा के किसान भी थे, लेकिन यूपी उत्तराखंड में किसानों ने ही भाजपा को जिताया है और बहुत भारी बहुमत से जिताया। भाटिया जी, चलते चलते आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्या अब भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार 4 राज्यों में आने के बाद क्या 3 कृषि कानून का जिन बोतों से बाहर फिर निकल आएगा? देखिए, अगर हम उन 3 कृषि कानूनों की बात करें तो अगर वो अप्लाई होता है तो पंजाब में वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में जो अभी सरकार बनने जा रही है उसकी आइडियोलॉजी सेंटर की सरकार की आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर वो कृषि कानून सही है तो वो किसी ना किसी बाकी सभी देश में अप्लाई हो सकते हैं और होने भी चाहिए। अगर वो सही है, किसानों को लाभ होगा, तो पंजाब के किसान खुद सरकार से निवेदन करेंगे कि वो कानूनों को पंजाब में भी लागू किया जाए। और यदि उस समय कृषि कानून दोबारा पंजाब में लागू किए जाते हैं तो जो किसान आंदोलन था, किसान मोर्चा के लिए ये सबसे बड़ा उनके मुंह पे तमाचा होगा कि जिन कानूनों को लेकर उन्होंने पहले आंदोलन किया, बाद में वही कानून किसानों के द्वारा लागू करवाया गया। जी जी, इस सवाल का जवाब मैं ठाकुर साहब से भी चाहता था, क्योंकि वो अपने शब्दों में इसका जवाब दे। ये जो किसान आंदोलन था ना, ये आड़ती बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन था, किसान इतेसी नहीं था, किसान विरोधी था ये जो आंदोलन था। राज्यवाल भी आड़ती था, गुरनाम चुनुनी भी आड़ती था, और जो दलाल थे मंडी के दलाल, वो उनका आंदोलन था। उन्होंने लोगों को, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस जैसी मरी हुई पार्टियां, उन्होंने इसको फंडिंग दी, बाहर से दी उन्होंने। ये किसान आंदोलन के नाम पे सिर्फ दुकानदारी थी और ब्लैकमेलिंग थी और देश को तोड़ने की ताकत। ठाकुर साहब, एक सवाल आखिरी मेरा आपसे भी यही रहेगा, क्या लगता है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से आई है, 4 राज्यों में सरकार बना रही है, क्या इसके बाद 3 कृषि कानून का जो चिन्ह है वो बोतल से बाहर आ सकता है? नहीं, हम निकलवाएंगे
हम मजबूर करेंगे भाजपा सरकार को, जब किसानों ने इतना जबरदस्त उनके मुंह में सपाता मार दिया, ये तो स्पष्ट हो गया कि तीन कृषि कानून किसानों के हित में है। अब हम प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, कृषि मंत्री जी को मिलेंगे, अमित शाह जी को मिलेंगे, और जो किसानों की आर्थिक आजादी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी कर सके, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगले बात सीधी बात है, मुझे मुझे यही जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि मैं भाटिया जी इसीलिए चाहता था कि ठाकुर साहब अपनी राय इस सवाल पर जरूर रखें। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी यही बात रखी कि अगर वो किसी कहीं अप्लाई हो रहे हैं किसी स्टेट में, अगर वो अच्छे हैं तो पंजाब में भी उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ ये इतना मकसद ये है कि जो सरकार है वो राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्रवादी सरकार की तरह काम करे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जैसे अभी पंजाब में हमारे सूबे में नई सरकार आज बनने जा रही है, नई सरकार का ऐलान हुआ है, तो वो भी आपके माध्यम से सिर्फ उनसे भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो राष्ट्रवादी सरकार की भूमिका में काम करें। जी जी, किसी भी धर्म को किसी भी जातिवाद में पढ़ के किसी भी धर्म में पढ़ के कोई काम ना करें, सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए, जनता की भलाई, जनता की सुरक्षा के लिए काम करें, शिक्षा के लिए काम करें, और कोविड के समय जो उनके एमएलएज ने लिक्विड ऑक्सीजन या इंजेक्शन के साथ किया वैसी सी सुविधा पंजाब में ना दें, पंजाब में सुविधा अच्छी दें और होनी भी चाहिए, क्योंकि पहले तो इन्होंने पीजीआई हॉस्पिटल्स पंजाब गवा चुका है 5 जनवरी को, लेकिन अब पंजाब में वो हिम्मत नहीं है कि वो और भी और कोई चीज अपने हाथ से गवा पाए। चलिए, इसीलिए सरकार के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुटके और स्वतंत्र लेखक विचारक विश्लेषक के तौर पर रजत भाटिया जी हमारे दोनों का मैं धन्यवाद करूंगा, और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो दर्शक जुड़े थे। और मैं दर्शकों को बता दूं किसानी मोर्चे की भूमिका क्या रही इस चुनाव में, किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं और क्यों रिजल्ट्स आए हैं, उन पर चर्चा करने के लिए मैंने दोनों मेहमानों को बुलाया था। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और उन दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों, कंचन टीवी इंस्टाग्राम पर ही नहीं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पर काम करता है। आप हमारे चैनल को वहां पर भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे कमेंट करके हमें बता सकते हैं किस तरह का काम कंचन टीवी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों के साथ साथ दर्शकों का। राम राम जी।